तो भाई अभी मैंने अपने डॉगी को घुमा नहलाया है, घुमाया है, मोमबत्ती जला लो, अरे मोमबत्ती। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आपके लिए आज है डॉगी वाला व्लॉग कि भाई अपने डॉगी को कैसे कैसे अपने मतलब अगर आपके डॉगी को दिक्कत हो जाती है तो कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो भाई ये मेरा है, हेलो यहाँ देख यहाँ, हाँ तो भाई ये मेरा डॉगी है, इसको लेके जा रहे हैं आज डॉक्टर के। इसके भाई हल्की सी दिक्कत भी हो गई और इसके रेबीज का इंजेक्शन भी लगना है। दिक्कत क्या है मैं आपको भी आगे बताऊंगा, अगर अभी सब बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाता है ना, पता है ना आपको। तो अभी चलने लग रहे हैं भाई, देख गाड़ी में बैठे हैं, यो भाई अपना राज गाड़ी चलाने लग रहा है। और भाई मैं लेके जाया करूँ सरकारी हॉस्पिटल में, मेरे को शौक नहीं है प्राइवेट में पैसे फूकने का। सही बताऊँ जो सरकारी में काम हो जाता है वो प्राइवेट में भाई, जो सरकारी में भाई 500 का, प्राइवेट में 5000 का। तो भाई मैं पैसे की वाली कोई बात नहीं है, मगर सरकारी में भाई एक से एक डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो अपने मेरे हिसाब से तो सरकारी में जाओ। तो अब चलने लग रहे हैं भाई रास्ते में, मेरे कुत्ता थोड़ा गाड़ी में बैठ के भाई घबराता भी है। अभी पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। तो भाई यहाँ पहुंच गए हैं, मैंने इसको दिखाया अभी, देखो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, मैं दिखा देता हूँ। वो पीछे राज दवाई लेने गया हुआ है। तो भाई इसके क्या दिक्कत है भाई, इसके है ना हल्के से हो गए चिच्चड़, हाँ हल्के से ही हुए हैं, ज़्यादा बड़ी वाली बात हुई नहीं है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर बोला भाई रेबीज का तो बाद में लगेगा, उससे पहले लगेगा इनका। तो भाई अभी वो राज लेने गया हुआ है, फिर ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, है भाई भाई, फिर भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका नया पट्टा लेते हैं, सारी आज इसको खुश कर देते हैं बिल्कुल, मजे वाली बात। अगर भाई किसी को देख, यहाँ भाई वहाँ बैठे हैं डॉक्टर साहब, और ये भाई अपना सरकारी हॉस्पिटल, जानवरों का हॉस्पिटल है भाई। आपने देखा होगा इसके अभी वैक्सीनेशन लग गई। तो भाई अब देख कैसे आराम से गोदी में बैठा हुआ है, अब चल रहे हैं घर की साइड, इसको खिलाएंगे। डॉक्टर ने कही अभी भाई रेबीज का नहीं लगेगा, खाली अब बस खाली इस चीज़ का ही लगेगा। तो कोई नहीं शेरा, अभी 15-20 दिन के बाद फिर बुलाए हैं रेबीज के लिए। हाँ तो उनने बोला था, अगर वैसे मैंने पूछा भी था कि भाई मेरे ना जिसको रेबीज के 1-2 दिन ऊपर भी हो गए हैं, कह रहा कोई दिक्कत ऐसी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 दिन क्या आप 1 महीना भी ऊपर हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15-20 दिन बाद फिर आएंगे, अभी आपको दिखाता हूँ आज का व्लॉग, ठीक है। तो अभी घर चलने लग रहे हैं। ए और भाई, भाई को लग रहा है डर, इससे लग रहा है भाई है। तो अब एक बार वहाँ चल लेते हैं इसका, हाँ पट्टे वट्टे ले लेते हैं नए, इसको सुंदर सुंदर सा बना देते हैं। क्यों भाई, है भाई सुंदर बनेगा, सुंदर बनेगा, घबरा रख। ये पट्टा भी ले लिया, सबको दिखाया भी था मैंने, इसको बांध दिया, ये भाई बन गया, यहाँ जरा पे खुश हो गया। तो भाई अब इसका रिस्पॉन्स बताएंगे हम आपको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 2-3 घंटे में आप एक बार चेक कर लेना रिस्पॉन्स, आपको तो ही पता चल जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स मतलब आपको दवाई का असर पता चल जाएगा कैसे है। भाई ये भौंक रहा है तो मेरी आवाज़ अगर नहीं आ रही है तो लिपसिंक करके समझ लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं नहा लूँ या धो लूँ, देख कैसा हो गया बिल्कुल, इसके बाल वाल लग गए, गाड़ी भाई साहब इतनी भुंडी होगी ना अंदर से। तो अब गाड़ी साफ करता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी दिखाया था मैंने आपको गाड़ी साफ करके, फिर अब आए हैं प्रमोद के छोले कुलचे खाने, पीछे आपको दिख भी रहा होगा ये भाई। इसकी डैडी में मत जाना, इसके स्वाद पे जाओ, बढ़िया जेन्युइन स्वाद है, मजाक की बात नहीं। लो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आपको दिख भी रहा होगा ये ना। अब एक बार आने दो फिर आपको दिखाता हूँ, शक्ल दिखाता हूँ, टेस्ट मैं ही बताऊँगा आपको कैसा है। चलो इसको आने दो। तो भाई अभी खाया, मज़ा आ गया भाई खा के ना, टेस्ट मैं बता रहा हूँ बढ़िया वाला टेस्ट है, मज़ा आ जाता है जो खा के, जो एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस है वो तो भाई रहा बढ़िया, ओके बिल्कुल एक्सलेंट। तो भाई ये प्रमोद है यहाँ पे 51 वाली बत्ती के आके यहाँ पे है इसका, यहाँ पे आओ खाओ मौज बनाओ। तो अब चल रहे हैं घर की साइड, भाई लेट हो रखे हैं, घर के लिए भी पैक करवाया थोड़ा सा, तो अब घर पर जाके मिलते हैं आपसे। तो घर आ गए हैं, पापा के लिए भी ले आए हैं, देखता हूँ पापा कैसे बताते हैं, क्या एक्सपीरियंस है पापा का खाने के बाद, पापा को कैसे लगता है। पापा का ना बाहर की चीज़ इतने पसंद नहीं आती, मगर फिर भी देखते हैं पसंद आती है नहीं आती, ओके। तो अभी डाल के देंगे पापा को, ये रख दिया।
तो भाई अभी पापा को खाने दो, फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, पापा बताते हैं पापा को कैसा लगा, ठीक है। The next day. तो भाई अगले दिन मैं आया हूँ आपके वापस। आज अगला दिन हो गया है, आपने देखा ब्लैकी का भी, उसके बाद आज अगला दिन है। आज है ऋषिक का बर्थडे, आपने देखा भी होगा मेरे पुरानी वीडियो में। तो भाई अभी मैं आपको बर्थडे बॉय के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। आज सेलिब्रेशन है छोटा मोटा घर घर का, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, बर्थडे बॉय के पास आ गए, दिखाता हूँ। इसके मामा के लड़के भी आए हुए हैं, नितिन और प्रशांत, मैं दिखाता हूँ। हंस रहा है भाई, कह भी रहा था वीडियो में ले लेना मगर अभी ले रहे हैं वीडियो में, आपको दिखा देता हूँ। नितिन मलिक और प्रशांत मलिक और बर्थडे बॉय, ठीक है। तो भाई ये है प्रशांत मलिक, ये है नितिन मलिक और ये है बर्थडे बॉय, दिख रहा होगा आपको। तो भाई और केक खाएगा आज, कितना खाएगा, इतना देंगे मित्र को, मैं भी बहुत सारा खाऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं इनसे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। केक लेने आया भाई, ठीक है, अभी दिखाता हूँ यहाँ न्यू कॉलोनी में केक लेने आया हम। तो भाई भी केक लेने गया है वो, अभी दिखाते हैं आपको हमने कैसा केक बनाया, क्यों भाई जबरदस्त केक होगा ना, एक नंबर। हाँ अब देखते हैं आपको दिखाते हैं, अभी केक हल्की सी झलक दिखाऊंगा बिल्कुल अभी, क्योंकि वरना सस्पेंस थोड़ा सा सरप्राइज होता है वो खत्म सा हो जाता है। वेट करो अभी केक आ रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। केक आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल हल्की सी झलक, तो रेडी रहो। तो भाई ये है अपना, तो भाई अभी केक कटिंग से पहले स्काई शॉट चलाएंगे, मतलब थोड़ा सा धमाका, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी धमाका होएगा। मामा वाला डर रहा है, डरता डरता आया है। भाई वो बम चलाने के बाद ये आए हैं, इसको डर लगता है बम चलाने से। हाँ भाई बम चलाने से डर लगता है, कितना लगता है? बहुत सारा, इसलिए तो अंदर पक गया था। हाँ। चल कोई नहीं, आजा केक खाएंगे, चल चले, चलो जाओ, चलो। ओए अभी से स्टार्ट कर दिया केक खाना। अरे मोमबत्ती तो जला लो, अरे मोमबत्ती। चलो चलो, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। ले भाई ले लिया, तू भी ब्लॉग में ले लिया। अरे भाई घड़ी मिल गई है, मामा वाले छोर ने दे दी। खोल खोल ले, तो भाई सैमसंग की घड़ी मिली है इसको, राजी हो गया भाई। क्या कह रहा है अब बोल, दिखा भाई, बढ़िया लगी। धन्यवाद भाई, मेरे को दे दे बेटा, देना देना, लाओ मैं रख दूंगा, अच्छे से रखेंगे। अब केक की कटिंग हो चुकी है, हमने खा लिया है केक, अब भाई खाना खाने की तरफ चलते हैं। अभी मामा वाले तो खाने लग गए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सारे भाई लग गए हैं खाना खाने। ओए तू नहीं खाएगी खाना, खाना नहीं खा रही, रिव्यू आर यू एंजॉयिंग हियर, रिव्यू एंजॉयिंग हियर। तो भाई फंक्शन हो गया कंप्लीट, मैं आ गया हूँ अपने घर, मतलब सब आ गए, सब अपने घर घर चले गए। और भाई इसको घुमाते हैं, अभी इसको खाना वाना दे दिया है, भूख भी रहा है, इसको घुमाते हैं। और अगर भाई मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।